एक सफेद झूठ किस तरह से बिहार सरकार ने लोगों को, बिहार के लोगों को मूर्ख बनाने का एक तरह से काम किया है। क्या शिक्षा, शिक्षक है, शिक्षक की सीट भारी खाली है पूरे बिहार में, लेकिन कहीं नियुक्ति नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास पैसा नहीं है। ये झूठ मूठ का बेवजह बात करके, इनको वेतन देने के लिए पैसा नहीं है तो ये क्या विकास करेंगे? इनके पास सिवाय लोगों को मूर्ख बनाने, मैं स्पष्ट रूप से कहता हूँ, बिहार के लोगों को ये मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं। ये बजट निहायत निराशाजनक है, बहुत मतलब ये गंदा बजट है। तो ये टोटल बिहार वासियों के साथ, उनके विकास के साथ छलावा है, धोखा है। ये बजट मैं कह सकता हूँ दलित विरोधी है, विकास विरोधी है, युवा विरोधी। आपकी फिटनेस का राज क्या है? एशफेल रस, ये एक ही बॉटल में है। स्ट्रेस, वीकनेस, एसिडिटी, एबिसिटी, हेयर फॉल, स्किन की हर परेशानियों का एक ही हल, एशफेल लाइफ, डायबिटीज फ्री लाइफ। बिहार विधानसभा में बजट पास होने के बाद बिहार की राजनीति गरमा गई है। लोजपा रामविलास की पार्टी लगातार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बिहार सरकार पर हमलावर है। तो वहीं राजू तिवारी बिहार प्रदेश अध्यक्ष है लोजपा रामविलास के, उन्होंने एक प्रेस वार्ता बुलाई, जिस प्रेस वार्ता में उन्होंने जमकर नीतीश सरकार पर हमला बोला। राजू तिवारी ने यह साफ कहा है कि बिहार वासियों के साथ लगातार नीतीश सरकार छलावा कर रही है। जिस तरीके से पिछले बजट में स्वीकृति जो मिली थी उसका आधा से ज़्यादा पैसा भी खर्च नहीं हुआ है, आधा से कम ही पैसा खर्च हुआ है, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो बिहार वासियों के साथ लगातार महागठबंधन सरकार छलावा कर रही है, नीतीश कुमार छलावा कर रहे हैं। तो वहीं देखा जाए तो बिहार का स्वास्थ्य व्यवस्था चौपट है, शिक्षा व्यवस्था चौपट है, तो वहीं युवाओं को रोजगार नहीं दिया जा रहा है। क्या कुछ कह रहे हैं राजू तिवारी लोजपा रामविलास के बिहार प्रदेश अध्यक्ष, वो सुने आप लोग। 885 करोड़ का बजट पेश किया गया है, अभी इसमें पूरा बजट वो लोग पेश करेंगे, लेकिन अभी तत्काल में इनका 261,885 करोड़ है। अब इस बजट को मैं एक लाइन में बोलना चाहता हूं, ये बजट जो पेश हुआ बिहार सरकार के द्वारा, ये बजट आंकड़ों की बाजीगरी है। इसका मैं कुछ उदाहरण आप लोगों को दूंगा। आई वॉस, जिसको कहते हैं आई वॉस बजट के द्वारा किया गया है, पुरानी बातों को दोहराई गई है, बजट एक तरह से कहिए कॉपी पेस्ट है। मैं आप लोगों को इसका कुछ बताना चाहता हूँ। जैसे पूरे बजट का 68% ये इनका जो कर्ज लिए हैं, पेंशन मद है, जो पुराने पेंशन भोगी लोग हैं, वेतन लगभग में 68% इनका खर्चा पूरे बजट का, ये पूरे बजट का 68% खर्चा ये इस मद में करते हैं। बच गया इनको विकास के लिए 32%, 32%। अब 1,00,000 करोड़ इनके पास बजट का बनता है विकास का, जो मद में खर्चा करने का, ये इसमें तरह तरह का, जैसे मैं मान लीजिए रोड बनाने से लेकर के कोई भी विकास मात्र 32% में करेंगे, लगभग 1,00,000 करोड़ में सरासर। ये आप लोगों को मैं मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास इस बजट का एकदम घोर निंदा करती है, और इसमें एक तरह से कहिए कि बिहार वासियों के साथ छलावा साबित हुआ है ये बजट। विकास, ये बजट मैं कह सकता हूँ दलित विरोधी है, विकास विरोधी है, युवा विरोधी है। 1,62,73,000 नौजवान अनुसूचित जाति और जनजाति के हैं। जब भी आप लोग, हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बोले थे कि इनकी छात्रवृत्ति सरकार बहुत पहले से बंद कर दी है, और छात्रवृत्ति के अभाव में सभी बच्चे जो हैं SC ST के, उनका मतलब पढ़ाई लिखाई लगभग बंद के कागार पर है, और इस बजट में कोई प्रावधान उनका उस पर नहीं है, कोई उस पर उनको, उनके लिए कोई बजट में नया कुछ नहीं है, सब पुराना ही है। बिहार में लगभग 52% गरीबी रेखा से नीचे हैं लोग, इनके उत्थान के लिए इस बजट में कोई प्रावधान नहीं है। 10,00,000 सरकारी नौकरी देने के द्वारा, बिहार सरकार के द्वारा वादा किया गया है, एक सफ़ेद झूठ किस तरह से बिहार सरकार ने लोगों को, बिहार के लोगों को मूर्ख बनाने का एक तरह से काम किया है। मैं आप लोगों के बीच रखता हूँ, पत्रकार साथी हैं, आप लोगों के ही माध्यम से सरकार तक बात जाएगी, जिससे यहाँ पर जो गरीबी रेखा से नीचे जो जीवन बसर कर रहे हैं उनका कुछ भला सरकार करे। इस बजट में 10,00,000 लोगों की नौकरी, सरकारी नौकरी, हमको लगता है कि आप लोग, सब लोग जानते होंगे कि 10,00,000 सरकारी नौकरी देने के लिए
वेतन मद में लगभग 56,000 करोड़ रुपए की साल की खर्चा आएगा। अब 1,00,000 इनके पास है, इसी में अंदाजा लगा लीजिए कि जब एक ये 10,00,000 सरकारी नौकरी देंगे तो ये भी सरासर झूठ, ये एक तरह से कहिए कि बिहार वासियों के साथ पुनः लगातार, कई बार के बजट का मैं जिक्र करूंगा, लगातार इन्होंने मतलब उनके आंख में पर्दा लगाने का काम किया है और ये मीडिया में बड़ी बड़े अक्षरों में अपने बजट को सिर्फ बताया गया है। अभी बिहार में नीति आयोग का रिपोर्ट है कि बिहार 19वें नंबर पे है, जबकि बिहार में आप बजट के माध्यम से तीसरे पायदान पे बता रहे हैं, ये भी झूठ है, सरासर झूठ बिहार सरकार की। उद्योग कल मतलब बिहार सरकार क्या करना चाहती है, स्वरोजगार देने की बात करती है, जबकि ये पूरे बजट का 1% मात्र 1% ये उद्योग में खर्चा, आप देखे होंगे, आप बजट जब देखेगा आप लोग पढ़िएगा तो 1% खर्चा उद्योग में है। और 2011 से मैं बताना चाहता हूँ छोटे छोटे उद्योग जिसमें बहुत सारे लोग उस उद्योग में रोजगार पा सकते हैं, लेकिन अभी तक उनको अनुदान जो सब्सिडी मिलती है बिहार सरकार ने 2011 से अभी तक नहीं दिया है। और मैं आपको बता दूँ शिक्षकों के लिए, शिक्षक का वेतन आप लोग हमेशा देखते होंगे कि आंदोलन करते हैं हमारे शिक्षक, अब वेतन नहीं है, लेकिन जबकि मैं बता दूं आपको पुराने बजट में आप देखिएगा, पुराने बजट में एजुकेशन पे, पुराने बजट में, पुराना बजट की मैं, मेरे पास है कॉपी, मैं आपको बता दे रहा हूँ, एजुकेशन में जितना इनको इनका पिछले वर्ष का था 46,979.60, इतना इनका बजट था, जिसमें ये खर्चा किए 34,101.88, जबकि ये लगभग 27-28% खर्चा नहीं कर पाए। ऐसे आप देखिएगा हेल्थ में भी 34% बजट के अनुसार 34% ये लोग खर्चा हेल्थ में नहीं कर पाए। अर्बन किसी किसी विभाग में आपको मैं बता दूं बिल्डिंग में लगभग 40% नहीं खर्चा कर पाए हैं। आपको ये खर्चा सिर्फ किए हैं देखिए किसमें, जो सरकार लोन ली है, इंटरेस्ट में इनका देने में इनका खर्चा 4 point कुछ का है, और ये पेमेंट जैसे मान लीजिए सैलरी वोली है दे रहे हैं लोग, लेकिन जिस जिस विभाग को इन्होंने छुआ है, रोड कंस्ट्रक्शन में आप देख लीजिए जो महत्वपूर्ण सब चीज़ है, इसमें इनका 21%। तो ओवरऑल मैं कहना चाहता हूँ कि पुराना जो बजट था इनका 2,65,396.88 करोड़ का, उसमें मात्र ये लोग 1,94,202.20% ही खर्चा किया है, 71,134.19% ये खर्चा नहीं कर पाए हेल्थ में। और फिर देखे होंगे आप पेपर में बड़ा बड़ा छपा है कि हमने 9 MSR, कहाँ से देंगे आप, कितना पैसा है आपके पास, आप इंटरेस्ट देने के बाद और लोगों को तनख्वाह सैलरी देने के बाद कितना बचेगा, 1,00,000 करोड़, 1,00,000 करोड़ में क्या क्या करेंगे आप, इनके पास सिवाय लोगों को मूर्ख बनाने, मैं स्पष्ट रूप से कहता हूँ बिहार के लोगों को ये मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं। ये बजट निहायत निराशाजनक है, बहुत मतलब ये गंदा बजट, हम इसको हमारी पार्टी कहेगी किसी भी, टूरिज्म हम लोग के यहाँ मान लीजिए माना जाता है, टूरिज्म को एक चीज़ बता दें, पुराना बजट से हम तुलना कर रहे हैं, 290.36 करोड़ इनका था, जिसमें खर्चा किए थे मात्र ये 92.8%, ये टूरिज्म का मैं बता रहा हूँ, इसमें 198.18 करोड़ रुपया नहीं खर्चा किया, 68% लगभग 70% ये खर्चा नहीं कर पाए, ये इनका बजट है, ये एकदम टोटल बजट का, पुराने बजट का लगभग 30% ये लोग खर्चा नहीं कर पाए, तो नया बजट में क्या दिखाना चाह रही है सरकार, स्पष्ट मैं कहना लोक लुभावन बजट, ये सिर्फ पेपर मीडिया में आप लोग साथियों से आग्रह है कि इस बजट को एक बार आप लोग अध्ययन करेंगे तो ये टोटल बिहार वासियों के साथ उनके विकास के साथ छलावा है, धोखा है, मैं इन्हीं बात कहना चाहता हूँ। आगे और भी कोई बात अगर आप लोग पूछेंगे, जैसे मान लीजिए बीमारू राज्य है हम लोग के यहाँ और बात लंबा लंबा है हॉस्पिटल खोलने के लिए, लेकिन कहाँ से पैसा आएगा हमको बताना है, तो एकदम स्पष्ट रूप से जब हो गया है आपको कि 1,00,000 करोड़ इतना आप दे देंगे इंटरेस्ट और उस पर, तो एक कॉपी और में है ये नहीं मिल गया है, तो आपको 32% बजट का टोटल विकास के लिए है, तो 32% में क्या क्या करेंगे, इसमें शिक्षा स्वास्थ्य नई नियुक्ति की बात कर रहे हैं, 10,00,000 नियुक्ति देंगे तो आपको कितना आएगा वेतन मद में, 56,000 करोड़ लगभग आएगा, कहाँ से देंगे क्या करेंगे, ये आपके माध्यम से मैं सरकार से पूछता हूँ और इस बजट का निंदा करता ही करती है मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास,
और आप लोग कुछ पूछना चाहें तो मैं बता दूंगा। हमारे प्रवक्ता भी बैठे हैं, हमारे युवा के प्रदेश अध्यक्ष बैठे हैं, हमारे मुख्य प्रवक्ता बैठे हैं, प्रवक्ता विनीत जी बैठे हैं, और भी हमारे राष्ट्रीय महासचिव भी बैठे हैं, और साथी भी आपको अपनी बात बताएंगे। अगर कुछ आप लोग साथियों के कुछ सवाल पूछना चाहते हैं बजट से संबंधित तो पूछिए। क्या लोगों तक इसको पहुंचाएंगे, जन-जन तक पहुंचाएंगे आप लोग? देखिए, मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास इसी के लिए संघर्ष का रास्ता चुनी है। आप हम प्रूफ दे रहे हैं ना, ये कल आपको पता चलेगा, मैं आपको आज बता रहा हूँ, इसको ले लीजिए। अब मैं जो भी बोला हूँ एकदम आप रिकॉर्ड बोला हूँ, और इस पर मेरा चैलेंज है सरकार से, या करके इस पर हमसे डिस्कस कर सकती है। लोक जनशक्ति पार्टी एकदम संघर्ष का रास्ता चुनी है और हम लोग इसकी लड़ाई लड़ेंगे। अभी आप देखे होंगे कि जैसे हम लोग बिहार सरकार कह रही है कि हम लोग जीएसटी कम करने वाले हैं, जीएसटी जो ज्यादा पड़े उसको हम लोग कम करेंगे और शिक्षा विभाग में भी खासकर ध्यान देंगे, इस तरीके एकदम ध्यान देंगे। लेकिन हमारा पुराना जो चरित्र रहा है, आप एजुकेशन में देखिए ना इनका कितना चरित्र रहा है, एजुकेशन में 28% इनको इन खर्चा नहीं कर पाए, जो इनका बजट है उसमें 28% नहीं खर्चा कर पाना। आप शिक्षक को लाठी दौड़ा दौड़ा सैलरी मांगने आ रहा है तो क्यों हमको बताएं? क्या शिक्षा मंत्री मुख्यमंत्री पीछे पीछे घूमने का काम करेंगे कि वो सबको समय से तनख्वाह देने का काम करेंगे? नहीं, बजट में खर्चा नहीं हुआ है तो क्यों शिक्षकों को टाइम से वेतन नहीं मिला? मेरे कहने का मतलब ये है, आप बात कर रहे हैं, आप मीडिया के साथी अभी देखे होंगे हमारे बिजली में हम लोग जो आंदोलन कर, पूरे हिंदुस्तान में सबसे महंगी बिजली आपके यहाँ, इसका हम लोग भी उपयोग कर रहे हैं, आप लोग भी उपयोग कर रहे हैं, और गांव के पूरे आप अगल बगल जाइएगा, डीजल पेट्रोल सबसे ज़्यादा महंगा कहाँ है? बिहार में। क्यों? आप उत्तर प्रदेश चले जाइए, झारखंड चलिए, जो भी हमारे पड़ोसी राज्य हैं, लगभग 5 से 7-8 रुपये पर लीटर हम लोग ज़्यादा दे रहे हैं। एक एक व्यक्ति, आप लोग 1-2 लीटर सब लोग यूज करते होंगे पेट्रोल डीजल, क्यों हम दे रहे हैं पूरे हर और सब प्रदेशों से ज़्यादा क्यों दे रहे हैं? तो नीतीश कुमार जी घुमा फिरा कर किस हिसाब से आम जो मिडिल क्लास के लोग हैं उस पर बोझ कैसे बन रहे हैं, इस पर आप लोगों के माध्यम से बताने को लेकर ने कहा जो 10 लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा। हालांकि जब नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में तेजस्वी यादव जी थे, उनका 10 लाख सरकारी नौकरी दी जाएगी, तो इसको कैसे देखे? यही चरित्र है इन लोगों का, 10 लाख सरकारी नौकरी की बात करते थे, अब 10 लाख रोजगार की बात करते हैं। हम 10 लाख सरकारी नौकरी में उनका 56,000 करोड़ का आएगा, वो संभव नहीं है। 10 लाख रोजगार कैसे देंगे? आप उद्योग में कितना है इनका स्वरोजगार? जब तक छोटा छोटा इंडस्ट्री को नहीं बढ़ावा देंगे, छोटे लोगों को अपने मतलब रोजगार नहीं देंगे आप, तो कैसे? कितना परसेंट है? 1% है पूरे बजट का, 1% बजट है उद्योग का, तो कैसे देंगे 1% में? पर सरकार कह रही है कि शिक्षा और स्वास्थ्य में 8 गुना और 6 गुना हमने बढ़ोतरी की है पिछले 16 वर्षों में। आप हम जो दे रहे हैं एविडेंस पूछ लीजिए, नहीं है कहीं है, बताइए कितना क्या हुआ है शिक्षा, आप बताइए। सब लोग कहीं कहीं से सब लोग बिलोंग करते, क्या बड़ा बड़ा प्लस टू में कितने शिक्षक हैं? क्या शिक्षक हैं? शिक्षक की सीट भारी खाली है पूरे बिहार में, लेकिन कहीं नियुक्ति नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास पैसा नहीं है। ये झूठ मूठ का बेवजह बात करके इनको वेतन देने के लिए पैसा नहीं है तो ये क्या विकास करेंगे? आप देखिए आज जो भी पुराना बजट है उसमें कितना परसेंट, लगभग 30% ये खर्चा नहीं कर पाए। ये किसकी अकर्मणता है? क्यों नहीं खर्चा कर पाए? आप खर्चा किसमें किए हैं? इंटरेस्ट में आप खर्चा किए, उसमें आपका सबसे शानदार प्रदर्शन रहा है। वेतन देने में मान लीजिए खर्चा किए हैं, खर्चा करवाने में आप लोग ध्यान आकर्षित करवाते नहीं हैं, बड़े बड़े राजू जी जो कभी भी अपूर्ण है। और उसके बाद तो आपने सुन लिया, राजू तिवारी थे लोजपा रामविलास के बिहार प्रदेश अध्यक्ष, जमकर उन्होंने हमला बोला। उनका यह साफ कहना है कि नीतीश कुमार जिस तरीके से दावा कर, उनका दावा फेल है। इस बजट में कुछ भी बिहार वासियों को नहीं मिला है, युवाओं को ठगने का काम कर रही है नीतीश सरकार, तो वहीं लगातार ऐसे ही ठगा जा रहा है नीतीश सरकार की तरफ से। पिछला बजट जो पास हुआ था उसका जो आधा पैसा है वो भी खर्च नहीं किया नीतीश कुमार ने, और नीतीश कुमार कहते हैं कि पैसा ही नहीं हमारे पर। देखा जाए तो युवाओं को ठगने का काम कर रही है नीतीश कुमार की सरकार, तो वहीं देखा जाए तो छलावा लगातार बिहार वासियों के साथ हो रहा है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहें। पटना से सहयोग जग साथ अभिषेक की रिपोर्ट।